Good morning, students, and welcome. In the last lecture, we started this lesson 4.2, the luncheon. So we were talking about the luncheon. What is luncheon? एक officially lunch ये होता है जहाँ पे ऐसा officially मिला जाता है lunch के लिए कहीं बाहर जाके. So that is called as luncheon. तो वहाँ we are talking about this author William Somerset Maugham. He is a distinguished British playwright. एक नॉवलिस्ट है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है एंड आईली पेड ऑथर ऑफ 1930. मतलब 1930 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले ये इंसान थे. उनके पहले की लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है. एक मोस्ट डिलाइटफुली ह्यूमरस नैरेटिव, मतलब ये कॉमेडी टाइप ऑफ स्टोरी है. दिस इज लंचियन. द लंचियन इज अ स्लाइस ऑफ अ लाइफ स्टोरी अबाउट अ मॉगन्स लंचियन डेट प्रपोज टू हिम बाय अ वुमेन हु ई होप्स इज अ सपोर्टर ऑफ हिज हार्ट. मतलब एक लंचन उन्होंने ये किया था. ये जो इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ, मतलब ये एक किताब है उनका जो मॉगम ने लिखे है, उसमें से एक हिस्सा, मतलब एक पार्ट उन्होंने इसमें दर्शाया है कि उस लेसन में, उस नॉवेल में क्या है. तो हाफ ऑफ द लेसन वॉज डन टू यू कि उनका एक लेडी से जान पहचान होती है. एक्चुअली उनका जान पहचान बहुत पहले ही हुई रहती है. आफ्टर 20 ईयर्स दे आर अगेन मीटिंग विद दम. तो उस लेडी ने उनको इनवाइट किया कि हम लोग कहीं पे जाके लंच करते हैं ऑफिशियल. दैट इज व्हाट आई सेड, बाहर जाके कोई हम लोग जान पहचान के लोग या ऑफिशियल टॉपिक जब लंच होते हैं वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं बिजनेस के या पार्टी ये होते, तो दैट इज़ कॉल्ड एज लंचियन. तो यहाँ पे वो लेडी उनको जो पहले बहुत पहले मिली थी, हालांकि ये जो ऑथर है इतने उनको याद नहीं है उनका नाम वगैरह, बट वो उनको पता है कि वो मिले थे एक दूसरे से. तो एक दिन डिसाइड होते हैं कि वो लोग मिलेंगे और बाहर एक जगह पे लंच करेंगे. एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द होटल दैट इज़ फोयट्स. फोयट करके एक होटल है जहाँ पे काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती है. एंड ऑथर तब उस वक्त इतने बड़े पैसे वाले नहीं थे, ना ही इतने पैसे थे. वो बहुत ही मॉडर्न सा मिडिल क्लास का लाइफ डील जीते थे, तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था. फिर भी वो लेडी को लेके जाते हैं वहाँ पे. काफ़ी एक्सपेंसिव वहाँ पे रहता है, वहाँ पे जो भी खाना वगैरह रहता है. तो एट फर्स्ट शी वो बोलती है कि वो लंच के टाइम को जब बाहर लंचन में जाती है तो वो जस्ट वो खाली एक डाइट लेती है. मैं अभी फ़िलहाल रिवाइज कर रही हूँ आपको. हाफ ऑफ द लेसन वॉज रिवाइज टू यू. तो एक ही चीज़ खाती है, ज़्यादा कुछ खाती नहीं है ऐसा बोलती है ऑथर से. सी ईयर आई नेवर ईट एनीथिंग मोर फॉर लंचन ही सेड. शी सेड ओ डोंट से दैट आई आंसर जेनरसली. मतलब ऑथर बोलते हैं ऐसे मत बोलो, मतलब उनको यकीन नहीं होता है कि एक ही हाई टाइम खाना. तो बोलते आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउडेज. अ लिटिल फिश पेरप्स आई वॉन्डर इफ दे कैन हैव हर सन. तो वो क्या बोलती है, लोग बहुत खाते हैं लेकिन मुझे सिर्फ लंच में कोई एक आइटम खाना पसंद है. अगर वो फिश हो तो ज़्यादा बेहतर है. एंड सैलमन, शी वॉज टॉकिंग ऑफ द सैलमन. एक्चुअली सैलमन इज ए वेरी एक्सपेंसिव फिश, बहुत महंगा फिश आता है, हर एक को अफोर्ड करने जैसा नहीं होता है. एंड इवन द ऑथर के पास इतने पैसे नहीं कि वो सैलमन फिश को ये कर सके, बट वो थोड़ा उसने अपने लिए पैसा जो मंथली उनका जो ये है काम कॉफ़ी बीफी का चीज़ें जहाँ पे बाहर जाके वो कुछ खाते थे उसको कट डाउन करके उसके पैसे बचा के वो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे ताकि ये जो लेडी है उनको खाना बाहर खिला सके. तो थोड़ा पैसे इकट्ठा करके वो लेके गए थे होटल में ताकि वो लेडी के साथ वहाँ पे लंच ले सके. तो सी वेल इट वाज अर्ली इन द ईयर ऑफ सैलमन एंड इट वाज नॉट इन द मेन्यू. एक्चुअली मेन्यू में नहीं था सैलमन. इसके बावजूद उस दिन वेटर क्या बताता है कि इस दिन नहीं होता है हमारा मेन्यू में क्योंकि सैलमन ऐसा मिलता नहीं आसानी से, पर आज है, अगर आपको चाहिए तो हम बना के देते. यस अ ब्यूटिफुल सैलमन हैड जस्ट कम इन. इट वॉज द फर्स्ट दे हैड. आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट. तो उन्होंने तो ऑथर ने बोले ठीक है अगर आपके पास सैलमन आया है तो हमारे गेस्ट के लिए आप लेके आइए. द वेटर हैज इफ शी
वुड हैव समथिंग व्हाइल इट इज बीन कुक, मतलब जब तक सैलमन बन रहा है तब तक वो लेडी को पूछते कि आप कुछ और लेना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग होटल में जाते हैं चाइनीज़ वगैरह खाते तो उसमें पहले एक स्टार्टर जैसा चीज़ें होती है, जब पहले सूप पिया जाता है तो वो पूछते जब तक बन जाता है, वेटर पूछते कि आप कुछ और लेना चाहेंगे तब तक, तो व्हाट शी आंसर्स, नहीं मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाना पसंद करती हूँ, हाँ अगर केवियर नाम अगर हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, केवियर सी या एन एक्सपेंसिव डिश मेड अप ऑफ एग्स ऑफ अ फिश स्टर्जियन, मतलब एक फिश के जो हैग होते हैं ना उससे बनाया हुआ एक डिश है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो बोलते अगर केवियर हो तो मुझे दो आइटम खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स शी विल बी ईटिंग द सैलमन एज वेल एज द केवियर, एक्चुअली फर्स्ट वो बोलती है कि मुझे सिर्फ एक ही आइटम खाना पसंद, नाउ शी इज गोइंग टू हैव द टू वन, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड केवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, अभी होता के पास इतने पैसे नहीं है, उनको उनकी सोच से परे है कि केवियर को ये करे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर वो मना भी नहीं कर पाते उस मेहमान को कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसके बावजूद भी वो तैयार होते, आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज मटन चॉप, और उन्होंने अपने लिए एक चीपेस्ट डिश मंगवाया दैट वॉज द मटन चॉप, आई थिंक यू आर अनवाइज टू हिट मी इट शी सेड, आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, तो वो क्या बोलती है मुझे ठीक नहीं लगता है कि आप मीट खा रहे हो, मुझे लोग वो पसंद नहीं है जो अपने पेट को एकदम हैवी बहुत सारा खा खा के पेट भरते हैं, ऐसे लोगों से मुझे इतना ऐसे लोग मुझे इतने पसंद नहीं हैं, शी हेड द केवियर एंड शी हेड द सैलमन, अभी वो जो लेडी थी वो केवियर भी खाई और अभी सैलमन फिश को भी खाई, शी टॉक्ड गेली टू द हार्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, अभी वो अपने ऑथर के साथ उनके ऑथर का जो काम के बारे में बात करने लगी कि इज ए ऑथर, तो उनका लिटरेचर म्यूजिक के बारे में सब बात करने लगी, बट आई वॉन्डर वॉट विल बी द बिल कुड कम वेन माई मटन चॉप एरर, शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टॉक, अभी जो ऑथर है वो सोच रहे थे कि पता नहीं बिल क्या होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ऊपर से जो सैलमन ये भी एक्सपेंसिव डिश था, ऊपर से जिस केवियर उन्होंने मंगवाया दैट वाज आल्सो एक्सपेंसिव, तो काफ़ी डर रहे थे कि पता नहीं अभी जब बिल आएगा तो उसको कैसे भरेंगे क्या करेंगे, सी दैट यू आर द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच एंड आई एम श्योर इट इज़ अ मिस्टेक, वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट इट ईट वन थिंग, तो अभी लेडी क्या बोलती है कि आपको ये मटन नहीं खाना चाहिए, मटन चॉप नहीं खाना चाहिए क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, मेरी तरह कोई एक चीज़ आइटम मंगवा के खा लो, आई कुडंट पॉसिबली ईट एनी थिंग मोर अनलेस दे हैड सम जायंट एस्पेरेगस, सी ओवर हियर, एस्पेरेगस इज अ वेजिटेबल का एक वेजिटेबल होता है जो डिलीशियस मतलब अच्छा लगता है खाने में, अनलेस दे हैड कम सम ऑफ द दोज जायंट एस्पेरेगस आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ दम, माई हार्ट सैंग आई हैड सीन दिस इन द शॉप एंड आई न्यू दैट इज हॉरिबल एक्सपीरियंस, अभी एस्पेरेगस जो लेडी जो बता रही है वेजिटेबल के बारे में वो भी वेजिटेबल काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इन्होंने जो ऑथर ने उन्होंने शॉप में देखा है और उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो वेजिटेबल्स की बात हो कर रही है ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, माई माउथ एड ऑफन वाटर एट द साइट ऑफ दम, एक्चुअली इनको खाने की चाहत थी वो जो ये वेजिटेबल्स की बात की कि वो काफ़ी डिलीशियस होता है, खाने की चाहत थी पर काफ़ी महंगा होने के वजह से वो खा नहीं पा रहे थे, पर जब भी वो देखते थे शॉप में वगैरह उनको मुँह से पानी आने लगता है, माई हार्ट सैंक एंड आई सीन ओके सॉरी आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माई गेस्ट सैड बट इट इफ़ यू इंस्टेड आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस आई ऑर्डर दम, अभी वो लेडी क्या बोलती है अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो अगर होटल में एस्पेरेगस ये जो है डेलिकेसी है अगर है तो मैं खाना चाहूँगी, अभी ये बात सुन के वो ऑथर मना नहीं कर पा रहे और उन्होंने वो मंगवाया, वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड, पैनिक सीज मी इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई वुड हैव लेफ्ट ओवर द रेस्ट ऑफ द मंथ, अभी उन्हें काफ़ी घबराहट हो रही है क्योंकि होटल में तो लेके आए और ये लेडी ने पहले शुरुआत में कहा था कि वो कोई एक आइटम लेना पसंद करेंगे,
और जब अभी वो मंगवा रही है एक चीज़ें, और जो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मंगवा रही है, और ये होता काफ़ी घबराए हुए हैं कि उनके पास अभी महीने में खर्च, आगे जो चल के जो महीना आएगा उनके पास खर्च करने के लिए उनके पास पैसे है कि नहीं। बट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल, आई वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। तो उनको लगा कि मेरे पास पैसे कम पड़ेंगे और मुझे अपने मेहमान से, जो मतलब वो जो लेडी सामने खड़ी है, उसी से पैसे लेके बिल चुकाना पड़ेगा। मॉर्टिफाइंग इज सी फीलिंग एशेम्ड एंड एम्बेरस। जब हम किसी को लेके जाते हैं और आपकी जेब में इनफ पैसा नहीं हो बिल भरने के लिए, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, आपको बुरा लगता है कि आपके पास इतना ये नहीं। तो उनको भी ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो बिल नहीं भर पाए तो अपने मेहमान से उनको कुछ पैसे लेके उधार में लेके बिल चुकाना पड़ेगा। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड। तो अभी वो सोच रहे थे कुछ ऐसा बहाना बनाया जाके कि मेरा पॉकेट किसी ने मार दिया, ऐसा सोच रहे थे कि वो कुछ बोले, क्योंकि उनकी जेब में एनफ अमाउंट नहीं था। ऑफकोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ़ शी हैड नॉट मनी एनफ नाइदर टू पे द बिल। अभी उनको ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि वो जो लेडी सामने है उनके पास भी एनफ पैसे ना हो और वो बिल ना चुकाए। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो वो सोच रहे थे अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अपने हाथ में जो रिस्ट वॉच रहता है, हाथों में बांधा हुआ वॉच, वो दे दूँगा और उनको बोलूँगा कि अगली बार आके मैं आपका बिल पैसे दे के इसे ले लूँगी। सॉरी। द एस्पेरगस हैपेंड, आई वॉच्ड हर थर्स्ट देन थर्स दम डाउन हर थॉट इन लार्ज माउथफुल एट लास्ट ही फिनिश। वो अभी वो जो जैसे ही वो डिश लेके आए सामने, वो लेडी खा गई एंड ही वॉज जस्ट वॉचिंग दैट लेडी। कॉफ़ी आई सेड, अभी वो कॉफ़ी चाहिए के पूछ रही, यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड ए कॉफ़ी। नाउ अगेन शी से, अभी औरतन से पूछा कि इसके बाद सब आइटम हो चुका है खा के तो कॉफ़ी वगैरह आप लेना पसंद करोगे? तो बोले ठीक है मुझे कॉफ़ी भी दे दो और आइसक्रीम भी चाहिए। आई वॉज पास्ट कैरी नाउ सो आई ऑर्डर अ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। तो औरतन ने अपने लिए सिर्फ कॉफ़ी मंगवाए और आइसक्रीम और कॉफ़ी वो लेडी के लिए मंगवाते हैं। यू नो देर इज़ वन थिंग आई ट्रू बिलीव इन शी सेड एज शी हेड द आइसक्रीम। One should always get up from the meal feeling one could eat a little more। ये कहा, ये जो लेडी बोल रही वो बात सच है। कहा जाता है कि आपको जब महसूस हो कि आपको और खाना चाहिए, आपके पेट में और जगह है, आप और खा सकते, तब आपको अपने खाने से उठना चाहिए। मीन्स पेट में थोड़ा सा जगह होते हुए आपको एक करके खाना फिनिश करके निकलना चाहिए, पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आपको महसूस होते हैं हाँ आप और खा सकते हो, तब आपको अपने मील से उठना चाहिए। तो इवन ये लेडी भी वही बोलती है कि जब आपको लगे कि आपके पेट में और थोड़ी सी जगह वी कैन हैव अवर फूड, तो उस वक्त थोड़ा सा अपना पेट एम्प्टी रख के हमें उठना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री आई हास फेंटली। अभी वो औरतर पूछ रहे लेडी को, आपको भूख लग और कुछ खाना है क्या? ओ नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट हीट लंच यू, आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, बट आई नेवर हीट मोर देन वन थिंग ऑन लंच, आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू। तो लेडी बोलते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं सुबह सिर्फ एक कॉफ़ी पीती हूँ, देन एट द डिनर अगेन देन डिनर एंड नेवर हीट मोर देन वन थिंग, और एक से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। ओ सी देन ए टेरिबल थिंग हैपन, वाइल वी वे वेटिंग फॉर द कॉफ़ी द हेड वेटर केम अप टू हर्स बेरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ यूज पीचेस, बट श्योरली पीचेस वेयर नॉट इन सीजन। देन लॉर्ड न्यू वॉट दे कॉस्ट, आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद द कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टूक वन। अभी क्या हुआ, एज देवर मूवी मतलब कॉफ़ी आइसक्रीम सब खा चुके, तब एक हेड वेटर क्या है अपने बास्केट में पीचेस दैट इज़ द फ्रूट लेके आ रहे थे
और काफ़ी बड़े बड़े पीचेस थे, तो पीचेस और ये सीजन जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं वो सीजन में सस्ते रहते हैं, जब सीजन के बाहर निकलने के बाद वो चीज़ें महंगी हो जाती, तो ये सीजन वाले फ्रूट्स थे और उस वक्त नॉर्मली नहीं होते, तो पर उनको जो होटल था उनको अवेलेबल था, मिला था, एंड सो ही जस्ट बॉट दैट टू देम, मतलब उनको पूछने के लिए लिखा था कि आपको पीचेस खाना है क्या। तो ऑथर को देख के घबराहट होने लगे क्योंकि ये पीचेस इसका सीज़न नहीं था, और इसके बावजूद इसका मतलब ये है कि वो पीचेस काफ़ी कॉस्टली होंगे। आई न्यू अ लिटिल ऑथर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद आर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टू वन। जैसे ही वो पीसेस लेके जा रहे थे तो इन्होंने एक पीच निकाला वहाँ से बास्केट से और एक ऑफर किया लेडी को, एंड आई न्यू दैट शी थॉट ऑफ मी मीन, बट व्हेन आई वॉक्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड ए होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। जब उन्होंने बिल वगैरह चुका दिया जो बहुत अमाउंट उन्होंने ऐसा संभाल के रखे थे फ्यूचर के लिए, मतलब आगे आने वाले महीनों के लिए, ताकि वो थोड़े थोड़े करके खर्चा करें, वो सारे पैसे उनके खर्च हो गए थे इस लंच में। अभी वो सोच रहे थे कि अभी आने वाले महीने वो किस तरह गुजारा करेंगे। फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड हैज शी शूक हैंड एंड नेवर हिट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। अगेन द लेडी सेइंग देख मेरा बात को मान लो कि जब भी खाते हो कोई एक आइटम खाया करो। आई विल डू बेटर देन दैट, तो अभी होता बोल रहे हाँ मैं इससे भी बेटर कुछ करने वाला हूँ, ये रिट्रोटेड। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, बोलते अभी मैं रात का वक्त कुछ नहीं खाऊँगा। ह्यूमरस शिकायत गेली जंपिंग इन टू द कैब यू आर क्वाइट ह्यूमरस, मतलब वो लेडी को हंसते हुए बोलते तुम बहुत मजा के किस्म के इंसान हो, ऐसे बोलते वो कैब में बैठ जाती है टैक्सी में। बट आई हैड माई रिवेंज एट लास्ट, आई डिड नॉट डू नॉट बिलीव दैट आई एम ए विंडिक्टिव मैन। विंडिक्टिव के मैन दिखा रिवेंजफुल, मतलब वो एक रिवेंजफुल मैन स्वभाव के नहीं थे। बट वेन द गॉड टेक्स अ हैंड इन द मैटर इट इज अंडरस्टेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ सेटिस्फेक्शन। टूडे शी वेज 21 stone, मतलब वो जो लेडी अभी काफ़ी दिनों के बाद जब मिली तो उसका वजन काफ़ी बढ़ चुका है। 21 stones दिखा रहे, मीन्स एक स्टोन मीन्स अ यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू 14 pounds। एक स्टोन मतलब 14 pounds का ये हिसाब लगाया जाता है, उस हिसाब से 21 into 14 आप करोगे तो उसका टोटल कितना होगा, उतना वजन की वो लेडी, मतलब शी हैज ग्रोन वेरी फैट, बहुत फैट हो गई थी। शी वॉज सीटिंग, बहुत दिनों के बाद जब वो मिलती है तो वो उसको देखती है कि वो काफ़ी मोटी हो गई थी। ओके दिस इज़ द लेसन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी जोकी टाइप मजाके टाइप का था कहानी थी ये। आई होप यू गॉट दिस लेसन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।